यही तंत्र, यही संसाधन पिछली सरकार के पास था। कार्य सब हो रहा, विकास सब हो रहा, पूर्वांचल एक्सप्रेस बन रहा, एम्स बन रहा, फर्टिलाइजर बन रहा, नौकरियां मिल रही, 1500 मकान, 1500 परिवार आज इस रात इस घर में घुसेगा। कैसे हो, पैसा कहां से आई? पहले की सरकार कहां दरिद्र रोत रहे कि हम लोग भिखारी हैं, भिखारी है। अरे तुम लोग भिखारी नहीं थे रे, तुम लोग लुटेरे थे, तुम सब लुटेरे थे। तुम्हारा परिवार अपनी तिजोरी भरता था, तब ऐसे मकान नहीं बनते थे। किसी ने गरीब गुरबा के लिए नहीं सोचा, किसी ने नहीं सोचा कि गैस लाइन से पाइप आएगी, किसी सरकार ने नहीं सोचा, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी, हर घर 24 में नल खोलवा पानी आई। एक फोटो पूरे देश में, पूरे विश्व में वायरल हो रही है, मैंने भी पहली बार देखा और मैं रहा नहीं गया। मुझे अचानक ट्विटर पे मुझे एक फोटो फ्लैश हुई दोपहर के वक्त, वो थी कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी किसी कॉरिडोर में चल रहे हैं और हमारे पूज्य महाराज जी के कंधे पर हाथ रखे हैं। वो दृश्य इतना सुंदर था कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो ऐसा था कि ये है मेरा नया भारत, वो ऐसा था कि ये है इस नए भारत का एक नया उत्तर प्रदेश। और पूज्य महाराज जी को जैसे प्रधानमंत्री जी आशीर्वाद दे रहे थे, कंधे पे हाथ रख के बल दे रहे थे कि आप चलो महाराज जी, आप लड़ो, इस सत्यता के साथ लड़ो, क्योंकि विरोधी तो सारे लुटेरे थे जो उत्तर प्रदेश को खा गए थे। महाराज जी आपको शक्ति मिले, कोविड काल के बाद से आप भाग ही रहे हो महाराज जी, प्रधानमंत्री के शब्द थे, कभी रुकना नहीं, प्रधानमंत्री जी के शब्द थे उस कंधे पर। और दोनों की पीठ थी, दोनों का सामने वाला चेहरा भी था, उसमें बहुत सारे भावनाएं थे, पूरा देश आज उस फोटोग्राफ में लीन है। ये जानते हुए कि पूज्य महाराज जी की ईमानदारी, कर्मठता और निस्वार्थ भाव हर जात के लिए, हर समुदाय के लिए, क्या ब्राह्मण, क्या दलित, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, आज लाभार्थी इसी में अगर आप मीडिया बंधु कैमरा घुमाएंगे तो कितने मुसलमान भाई, मुसलमान परिवार भी है। अगर आप कैमरा घुमाएंगे तो कोई ब्राह्मण भी बैठा है, तो कोई दलित भी बैठा है, कोई अगड़ा भी बैठा है, कोई पिछड़ा भी बैठा है, सब लोग, हर बिरादरी बैठी है। तो क्यों ऐसा ये विरोधी पक्ष कहते हैं कि महाराज जी कोई पक्षपात करते हैं? उनकी सोच तुष्टिकरण की है। वो जिन्नावादी सोच के लोग, 2017 से मुझे दंगा गिनवा दीजिए। यह मुसलमान समुदाय गोरखपुर में रहता है, बताए कोई कि कोई भी सुरक्षित या अपने आप को घबराया हुआ महसूस करता? नहीं। रामगढ़ झील के पास भी घूमते हैं, हमारी शूटिंग हो रही थी वहां पर भी आते हैं, हमारी शूटिंग में भी चौरी चौरा में सब मुसलमान समुदाय के लोग काम किए, पिछले लोग काम किए, सब लोग काम किए। जो वोट नहीं देते भाजपा को वो भी लाभार्थी हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी, ये है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, ये है हमारे पूज्य महाराज जी की सोच। जो लोग भाजपा को वोट नहीं देते वो लोग भी यहां पर आज चाबी लेके बैठे हैं, यही भाजपा है। तभी विश्व की इतनी बड़ी पार्टी है, तभी पूज्य महाराज जी दोबारा, मेरी बात याद रखिएगा आप लोग, पूज्य महाराज जी दोबारा 2022 में मुख्यमंत्री बहुमत से बन रहे हैं, अपने कार्य से, अपनी सच्चाई से, अपनी ईमानदारी से। एक कलंक मेरे प्रधानमंत्री पे आप नहीं लगा सकते, एक कलंक मेरे मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी पर आप क्या समस्त भारत नहीं लगा सकता। यही तंत्र, यही संसाधन पिछली सरकार के पास था। कार्य सब हो रहा, विकास सब हो रहा, पूर्वांचल एक्सप्रेस बन रहा, एम्स बन रहा, फर्टिलाइजर बन रहा, नौकरियां मिल रही, 1500 मकान, 1500 परिवार आज इस रात इस घर में घुसेगा। कैसे हो, पैसा कहां से आई? पहले की सरकार कहां दरिद्र रोत रहे कि हम लोग भिखारी हैं, भिखारी है। अरे तुम लोग भिखारी नहीं थे रे, तुम लोग लुटेरे थे, तुम सब लुटेरे थे। तुम्हारा परिवार
अपनी तिजोरी भरता था, तब ऐसे मकान नहीं बनते थे। किसी ने गरीब गुरबा के लिए नहीं सोचा, किसी ने नहीं सोचा कि गैस लाइन से पाइप आएगी, किसी सरकार ने नहीं सोचा, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी, हर घर 24 में नल खोलवा पानी आई, पिए वाला पानी आई हो। यही उत्तर प्रदेश, वही फैक्ट्री, वही संसाधन, पैसा कहां से आ गया? महाराज जी को वर्ल्ड बैंक से कर्जा नहीं ले रहे हैं, यही उत्तर प्रदेश से, लेकिन ईमानदारी से जनता का पैसा जनता के कार्य आ रहा है। क्या कहते हैं विपक्षी लोग या जिन्नावादी के सोच के लोग? अरे बताओ जाके, पहले आजमगढ़ आपको ढूंढ रहा है, कहां था सांसद? और एक मैं सांसद, आपने मुझे देखा कोरोना काल में, आपने बाढ़ में देखा है, आपने राशन बांटते देखा है, आपने वैक्सीनेशन लगाते देखा है, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर मैंने दिलवाया, हर जगह आप लोगों के लिए मैं खड़ा रहा, हर सुख में दुख में। और एक सांसद आजमगढ़ के भी है जो अपने आप को मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं, उनसे पूछिए आप कहां थे। बसपा की मुखिया से पूछिए आप कहां थी जब पूरा उत्तर प्रदेश कोरोना के चपेट में था। कांग्रेस की प्रियंका जी आई थी, आप कहां थी? और प्रियंका गांधी जी, आपकी कंप्लेन आई है कांग्रेस सरकार की हमारे पास सांसद के रूप में, आप तो यहां से मीटिंग करके चली गई, एक वीडियो आया हमारे पास। अब मैं गोरखपुर का सांसद पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से, वीडियो में था मकान मालिक का महाराज जी, मकान मालिक का एक वीडियो आया था। इनकी यहाँ पर 2019 से कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर कार्यालय चलता था जिला का, उसका किराया नहीं दिए 2019 से, किराया नहीं। मकान मालिक प्रियंका जी गई मीटिंग करके, मकान मालिक ने ताला मार दिया, अगली सुबह मेरे पास वीडियो आया। इतने झूठे लुटेरे लोग, अरे भैया हो, हम सांसद ही, हमारे जनता का पैसा लौटा दे, जनता के का देबू, का बोलू, का वादा कहलू, हमके कोनो नहीं मतलब बा। देखो कंप्लेन आई एक सांसद के रूप में, तो मैं कांग्रेस की ये विचारधारा है, आजमगढ़ में पूरा आजमगढ़ खोज रहा है सांसद जी को, ये लोग कहां थे? सब बरसाती मेंढक की तरह चुनाव आया पुड़क पुड़क बाहर आ गए, चुनाव आया पुड़क 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 मुंह लेके आ गए, बस ऊंची कर ली। अरे भैया हम खड़ा हो जाएगा तो भीड़ आ जाएगा, वो आवा नहीं देखे कि कुछ सुधरे होंगे विचार, कुछ बुद्धि आई होगी, नहीं आई। भाजपा के महाराज जी के कुल वोट दिए हैं, वो जितना हो वोटर, जितना भीड़ आ रहा है यो जान ला, क्योंकि दुनिया समझदार हो गई, उत्तर प्रदेश जाग गया है। बहू बेटी आज इत्मीनान से घूम रही है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, माफियाओं को कुचला जा रहा है बुलडोजर से, दबंग भाग गए हैं। बाहुबली बोलने के लिए खुद घबरा जाला आदमी, सब लोगों का मोह जो बाहुबली का ऐसे ने, सब लोग नीचे कर कर घूमत हैं, बेराज हैं कि महाराज जी उनके पूरा भगवा वस्त्र में राति के लव करना, कि बुलडोजर चला के महाराज जी खुद ही आ रहे हैं। ये होता है 25 करोड़ की आबादी को चलाने की व्यवस्था का मुखिया, ये चाहिए लीडर, एक लीडर चाहिए उत्तर प्रदेश को। लुटेरे नहीं चाहिए, परिवार के स्वार्थ में जीने वाले लोग नहीं चाहिए, लीडर चाहिए। एक देश है उत्तर प्रदेश, इतना बड़ा लीडर चाहिए जो डिसीजन मेकर हो, जिससे कांपे लोग जो गलत करें, एक मुखिया जो आपके अच्छी अच्छा भी सोचे, जो निस्वार्थ रहे, जो इमोशनल रहे, भावना से जुड़े रहे, जो हमारे सनातन संस्कार और संस्कृति की रक्षा भी करें।